आज नाश्ते में बनने वाले हैं मूली के पराठे। तो मैंने यहाँ मूली कस ली है, उसमें डाल दी है मैंने हरी मिर्ची, उसके बाद मैंने चॉप धनिया डाल दिया है, हल्का सा मैंने अजवाइन डाला है थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए, मिर्ची डाल दी है, उसके बाद मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, और इस मिश्रण को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसको भरने वाली हूँ पराठे के अंदर। तो मैंने सबसे पहले लोई बेलने के बाद इसमें खूब सारा घी लगा दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है मिश्रण, और इसको मैंने सील पैक कर दिया है। और अब मैंने पराठा बेलकर तवे पे इसको डाल दिया है, और अब मैं इसे सेकूंगी कुरकुरे पराठे को। और सर्दियों में मूली के पराठे यार बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप भी बनाइए मूली के पराठे, चटनी के साथ, मक्खन के साथ, चाय के साथ बड़े ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको मैं चारों तरफ से घी लगाकर अच्छे से सेक लूँगी, बिल्कुल इसकी कुरकुरी सिकाई करनी है आपको, तभी बड़ा क्रंची क्रंची सा टेस्ट आता है पराठे का। और जब तक पराठा फूल नहीं जाए ना यार, तब तक मज़ा नहीं आता। ये देखिए कितना बढ़िया सा फूल के तैयार हो गया पराठा, और आप भी इसी तरह से घर पे बनाइए और मुझे बताइए ज़रा आपका पराठा भी ऐसा ही बनता है या कुछ और भी आप इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते हैं। और ये डाल दिया है मैंने खूब सारा घी इसके ऊपर, और आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। टाटा बाय।